Just to solve the question, to make the calculation easy, we are taking the value of pi as 22 by 7. And when you will divide this, this 22 is not completely divisible by 7. As it is irrational, hai ye irrational. And you know that by the definition of irrationality, a number, if it is irrational, it cannot be written in the form of p by q. P by q mein nahi likh sakte, lekin fir bhi likha hai ise. Kyun likha hai? To make कैलकुलेशन, ठीक है, क्योंकि ये उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. जब आप इसको डिवाइड करते हो, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, ये आपको क्या वैल्यू देता है? 3.141592, 50 डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं इसके बाद. और आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप इसे डिवाइड करो, ठीक है. तो आपके पास ऐसे 50 यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं आफ्टर द डेसिमल, और वो भी फिनिश नहीं हो रहे, वो भी आगे कॉन्टिन्यू हो रहे हैं, सो ऑन है. सो ऑन का मतलब है इरेशनल है. अब क्या करना है आपने, इसमें जो डेसिमल के बाद डिजिट्स है ना, डिजिट्स कहाँ से होती है? जीरो से लेके नाइन तक कितनी डिजिट्स होती है टोटल? टोटल कितनी डिजिट्स होती है? टेन. टेन डिजिट्स होती है. वन टू नाइन होगी, नाइन और एक जीरो इंक्लूड करोगे तो टोटल टेन डिजिट्स हो जाएगी. अब आपने जो इसकी टोटल टेन डिजिट्स इसमें आ रही है ना, उनका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म कर, मतलब आपने डिफरेंट डिजिट्स चेक करनी है कि डिजिट्स जो हैं इसके डेसिमल में कितनी बार कौन सी डिजिट आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी. सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कौन सा कॉलम बनाएंगे? डिजिट्स का. सेकंड नंबर पे टैली मार्क्स, थर्ड फ्रीक्वेंसी. राइट डाउन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. टैली मार्क्स, देन फ्रीक्वेंसी. ओके, अब आपने क्या करना है, 3.14, पहले 1 आ रहा है, 1 के लिए यहाँ पे लाइन आएगी टैली मार्क्स, फिर 4 आ रहा है, 4 के लिए यहाँ आएगी, देन अगेन 1, 1, फिर 5, ऐसे आपने डेस्क टेलीमार्क्स लगाते जाने. ये टेलीमार्क्स किसके लिए लगा रहे हैं? जो पाई की वैल्यू है ना, उसमें डेसिमल के बाद जो जो डिजिट्स आ रही है उसके लिए टेलीमार्क्स लगा. मैंने फर्स्ट 4 डिजिट्स के लिए लगा दिया, 1, 4, 1, 5 के लिए. नेक्स्ट डिजिट देखो कौन सी है, 1, 4, 1, 5 के बाद क्या आ रहा है? 9, 9 के आगे आएगा 1, उसके बाद 2, देन 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 3, 2, 3, 8, एक मिनट, 3 के बाद 9. हाँ जी, ठीक है. अब ये काउंट करोगे 50 होगी. राइट फ्रीक्वेंसी 2, ठीक है, काउंट करना जरा. चेक द टोटल, इसका मतलब ये फॉर्म करेक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, टोटल मस्ट बी सेम. 50 डिजिट्स है तो यहां पर भी टोटल 50 आना चाहिए, ठीक है. व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स? मोस्ट कौन सी है?
सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? 9 की और 3 की, ठीक है, और लीस्ट 0, ठीक है, राइट डाउन. मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट इज 3 and 9. सेकेंड पार्ट, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स आर 3 and 9 एंड लीस्ट इज 0. कौन सा? 9 से आप कर लेना रफ पे, ठीक है. इस एक्सरसाइज का होमवर्क 6 and 8 ही है, क्लियर है. नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं. इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और एक एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, बट वी नीड ग्राफ फॉर दैट, सो विल डू थर्ड एक्सरसाइज एट द एंड. फोर्थ वी आर स्टार्टिंग विद, एंड इन द फोर्थ एक्सरसाइज वी हैव फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग द मीन, मीडियन एंड मॉड. डिड यू रिमेंबर दिस टॉपिक? वी हैव ऑलरेडी डन इन द 7th क्लास ऑल्सो. मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. वॉट इज मॉड? मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर इन द डाटा इज कॉल्ड मॉड, ठीक है. जैसे यहां पे 3 जो है कितनी बार अकर कर रहा है? 8 बार. 9 कितनी बार अकर कर रहा है? 8 बार. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना, तो 3 और 9 इसका मॉड हो जाएगा, ठीक है. अब सुनो, अब हम मीन, मीडियन और मॉड फाइंड कर रहे हैं. सिंपल है वो, जबकि 10th क्लास में जब आप इस टॉपिक को करते हो तो वहां पे फॉर्मूलाज हैं बहुत बड़े बड़े, उससे कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेशन ज्यादा है. अभी ज्यादा नहीं है, अभी वैसे ही है, सेम जैसे पहले करते हैं, ठीक है. वो स्टार्ट कर लेते हैं. सेकेंड एक्सरसाइज, थर्ड लास्ट एक्सरसाइज जो है फोर्थ, वो हो जाएगी अभी. राइट डाउन, मीन इज इक्वल टू, टुमारो वी विल नीड ग्राफ, सो बी अरेंज विद दैट, ठीक है. उसके बिना नहीं होगा, ना ही कुछ समझ में आएगा, क्योंकि डिफरेंट है, ठीक है. बार ग्राफ और हिस्टोग्राम तो पुराने वाले हैं, लेकिन और कंटिन्यू जो हो रहा है न्यू टॉपिक, वो ग्राफ के बिना नहीं होगा. राइट डाउन, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इसका एक और फॉर्मूला है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस होल थिंग यू कैन राइट सम, ये सम का साइन है, सम एक्स आई अपॉन एन. यू कैन टेक स्मॉल एन और यू कैन टेक कैपिटल एन. मीन का सिंबल है एक्स बार. एक्स बार का मीनिंग क्या है? If x is given, x means different observation जो given होंगी उनको आप x से represent कर रहे हो. x bar का मतलब है x का mean. And this xi is the sum of x. जो x मतलब जो data given होंगे, चाहे weight given है, चाहे height given है, कि कोई भी चीज given है, x represent करोगे आप उसे. x के ऊपर bar if you put, then it will be mean. If you write xi, xi का मतलब है आई, का मतलब है आई की डिफरेंट वैल्यूज है 1, 2, 3. इसका मीनिंग क्या है? एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री सो ऑन प्लस एक्स एन अपॉन एन. इसका मीनिंग क्या है? कि जो एक्स आई है, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, जो लास्ट टर्म होगी वो, उन सबका सम. और ये आई जो है, आई की वैल्यू है 1, 2, n का मतलब है आई की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है. 5 टर्म्स है तो लास्ट वाली एक्स 5 आएगा. 10 टर्म्स है, देन इट विल बी एक्स 10. इफ 15 टर्म्स आर देयर, देन इट विल बी एक्स 15. जितनी टर्म्स होंगी आई वहां तक वेरी करेगा अपॉन एन. तो ऐसे लिखो, ये लिखो, एक ही बात है. ये सम का मतलब है इसका सम, उसको एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट कर दे.
So it's up to you how you want to write. N, you can take capital N, that is for the number of observation, or you can write small n as well. ये भी लिख सकते हैं, ये भी कोई भी, जो भी, सारे सेम ही, ठीक है? ये तीनों चीजें सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें. अब इसके बेस पे क्वेश्चन है. एक फॉर्मूला और है मीन का, वो भी करते हैं. पहले ये कर लेते हैं सिंपल एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन, यू हैव गिवन 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3. दिस डाटा इज गिवन, यू हैव टू फाइंड द मीन. सो मीन इज गिवन बाय सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. अगर आप ऐसे लिखते हो तो भी ठीक है, ये लिखते हो तो ये शॉर्ट फॉर्म में है. एक्स आई का मीनिंग क्या है? ये कितने एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, सो ऑन टिल द लास्ट. आपने मेंशन नहीं करना, आपको पता होना चाहिए क्या है. इन सब का सम टोटल कर लो, 2 + 3 = 5, 9, 14, 15, 15 + 6 = 21, 21 + 7 कितना हो गया 28 अपॉन टोटल कितने कितनी टर्म्स हैं? 10, 10 टर्म्स हैं, 10 है, 2.8. मीन कितना आ गया? 2.8. ठीक है, ये मीन आ गया, नोट कर लो इसे. फिर इसी में हम मॉड फाइंड करेंगे, इसी में मीडियन फाइंड करेंगे. करो, आपको आता है वो भी, एक बार रिकॉल करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने किया हुआ पहले से. जल्दी करो. क्या हुआ? शूज कौन से पहने हुए? कहा नहीं किसी ने स्कूल शूज पहना होंगे, तब भी नहीं पहनने तुमने. हैं झूठ बोल रहे, स्कूल शूज में आना है कल, हैं तेरे पास, मुझे पता. अच्छा, जबरी तेरे लेके गया था क्या? अच्छा, मतलब मिलते रहे हो, घूमते भी रहे. अच्छा चलो, क्वेश्चन डन. व्हाट इज मॉड हियर? मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर कौन सा सबसे ज्यादा टाइम? 3. राइट डाउन, मॉड इज इक्वल टू मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर. मॉड इज इक्वल टू मोस्ट frequently occurring number. 3 is occurring 4 times, so mod here is 3. Clear? Next, you have to find median. Median kaise find karte hain? First step, most important step. Yes, most important step is arrange the term in the ascending order. Write down. Mod के लिए, median के लिए क्या करना है आपने? सबसे पहले ascending order. Write down. Ascending order. First will be क्या आएगा? 0, 1, 2, 3 is occurring 4 times. So you will write each digit. 4, 4. क्लियर? काउंट कर लो, 10 है, मिस नहीं होनी चाहिए, 10 है. नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी? कितनी नंबर्स हैं? 10. इवन या ऑड? इवन. इवन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एन बाय 2th प्लस एन बाय 2 प्लस 1th टर्म का हाफ. नाउ डोंट राइट द फॉर्मूला, आप लिख लो लेकिन यूज नहीं करना. आपको याद होगा अगर हमने लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया था. मिडल टू टर्म्स, कौन सी मिडल टू टर्म्स है? आगे 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर, ये 2 मिडल टर्म्स का सम करके इसका हाफ कर दो, दैट इज मीडियन. 3 आएगा. फॉर्मूला फिर भी लिख लो एक बार, मीडियन इज इक्वल टू एन बाय 2th टर्म प्लस
n by 2 plus 1th term upon n का मीनिंग समझ रहे हो क्या है? 10, 10 by 2 क्या होगा? 5th term, 5th term ही तो है ये 3, ये क्या है? n by 2 का मतलब क्या है? 5 plus 1, 6th term, 5th और 6th term का सम करके उसका हाफ। तो मैं आपको कह रही थी डायरेक्ट फॉर्मूला कर ले, मतलब बिना फॉर्मूले के कर लेते हैं, यहां लिख देते हैं ऊपर क्या आएगा। यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू 3 प्लस 3 बाय 2 दैट इज 3। तो मीडियन क्या आ गया? ये टर्म है, याद रखना ये टर्म है। फिफ्थ टर्म मतलब 3, सिक्स्थ टर्म मतलब 3, तो 3 प्लस 3 बाय 2 दैट इज 3। ठीक है, अब आपने एक चीज नोट की कि ये तीनों अप्रोक्सीमेटली सेम है। मॉड भी 3 है, मीडियन भी 3 है और मीन 2.8 है। 2.8 नियरली क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना, तभी तो इन्हें कहते हैं दीज आर द सेंट्रल मेजर ऑफ टेंडेंसी। ठीक है, मतलब कि ये सेंट्रल वैल्यू देते हैं आपको, किसी भी डाटा की सेंट्रल वैल्यू देते हैं। जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, सपोज जैसे आपने देखा होगा यहाँ तो नहीं इतना सर्वे होता, जो बड़ी बड़ी सिटीज है ना वहां पर क्या होता है, कोई भी जब प्रोडक्ट लॉन्च होते, जैसे टूथपेस्ट ही समझ लो, कोई आया न्यू, तो वो क्या करते हैं उसको ना, जैसे पहले फ्री सैंपल्स देते हैं कॉलोनीज में जाके, और ना एक पेज उनके हाथ में होता है सर्वे का, जो हर घर में जाते हैं और ये पूछते हैं कितने मेंबर हैं, कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो। उसके बाद ना वो डाटा कलेक्ट करते हैं कॉलोनी से, फिर अप्रोक्सीमेट सारा डाटा ना पूरी कॉलोनी का कलेक्ट करके देखते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट जो है वो इस एरिया में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, फिर वो आपको फ्री सैंपल्स देते हैं। उसके बाद हम उनको सर्वे देने के लिए क्यों रेडी होते हैं? क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है सर्वे, कोई ऐसे नहीं होता आपसे दो क्वेश्चन पूछे, कम से कम उसके उनके पास 40-50 क्वेश्चन होते हैं, आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना होता है। उसके बाद वो देखते हैं कि उनके टूथपेस्ट में और जो आप यूज कर रहे हो क्या डिफरेंस है, कैसे इसका प्रोडक्शन इंक्रीज की जाए। तो सेम वे में जो वैल्यूज है ना आपको, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मतलब सेंट्रल वैल्यू किसी भी चीज का डाटा जो है इन सेंट्रल वैल्यू के पास रिवॉल्व करता है। जैसे सपोज करो आपकी क्लास का रिजल्ट आया, हम एक से पूछ लिया आपके कितने परसेंट, ऐसे दो तीन से पूछ लिया, अब 50 स्टूडेंट से तो नहीं पूछेंगे ना इंडिविजुअली, हम क्या कहेंगे, एवरेज रिजल्ट इस क्लास का 75% है, मतलब किसी के 75 है, किसी के 76-78, किसी के 75 से थोड़े से कम है, तो नियरली सबका रिजल्ट 75 के आसपास है। तो जो 75 है ना यहाँ पर, वो आपकी क्लास की एवरेज है। एवरेज मतलब मीन है, मीडियन है, मॉड है। तो जो एवरेज होता है वो क्या करता है, जैसे ये डाटा आपने लिखा असेंडिंग ऑर्डर में, जो 3 है ना वो इसके यहाँ लाई कर रहा है बीच में, तो कुछ वैल्यूज 3 से लेस है, कुछ 3 से ज्यादा है, तो ये आपको एक सेंटर की एक वैल्यू बताता है जिसके आसपास ये सारा डाटा रिवॉल्व करता है, तो ये आपको अप्रोक्सीमेट आंसर बताता है। ठीक है, तो ये देखो सेम आते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो ये कई बार सेम भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है ये 3 हो जाए, बिल्कुल सेम भी होते हैं, कई बार थोड़ा वेरी भी करते हैं, तो है तीनों ही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर है? तो ये सारे एक्यूरेट है क्योंकि मेथड अलग अलग है। ठीक है, वैसे सबसे अप्रोप्रिएट 3 है क्योंकि ये भी तो नियरली 3 ही है, तो 3 है इसका अप्रोक्सीमेट, जो क्लियर आंसर है वो 3 है, क्योंकि मैक्सिमम डाटा यहाँ पे 3 के आसपास है। ये 3 से 1 इंक्रीज है, ये 2, ये 3 से 1 लेस है, ये 2 लेस है, तो नियरली जितना यहाँ डिक्रीज हो रहा है वहां उतना ही इंक्रीज हो रहा है, तो बात 3 के पास मिडल वैल्यू आ रही है इसकी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, ये क्लियर है, बस यही मेथड है। एक चीज और है मीन की, एक और फॉर्मूला, वो भी आपने किया हुआ है, जब हम करेंगे आपको याद आ जाएगा। वो ये याद है किया हुआ है कि भूल गए हो? ये किया हुआ है 7th क्लास में जब हम ऊपर वाले रूम में होते थे। चलो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करो, मीन फाइंड करना है, स्टार्ट करो मीन, यूज द फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यू कैन राइट समेशन एक्स आई अपॉन एन। समेशन को सिग्मा भी बोलते हैं, जो ये साइन है ना समेशन का, समेशन एक्स आई, इसे सिग्मा भी बोलते हैं, सिग्मा एक्स आई। ठीक है, एक ही बात है, करो स्टार्ट करो। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन,
मीन का सिंबल डालो इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एम बनाना, हाँ सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, सबको प्लस कर लो, टोटल 15 नंबर्स हैं, एन 15 हो गया, सबको प्लस करना है, प्लस करो, एडिशन शुड बी करेक्ट, अगर रॉन्ग है तो आंसर नहीं आएगा, ऐसा करो पहले 2-2 को ऐड कर लो, फिर जो आंसर्स आएंगे उनको टोटल ऐड कर लो, करा है टोटल किसी ने? ऐसे क्या बच्चों के जैसे लिखी जा रहा है, वर्बली कैलकुलेशन है, क्या कर रहा है? ऐसे लिखता रहेगा, गलती हो जाती है, ऐसी कौन सी नहीं होगी जो तुम्हें लिखता है, इससे बेटर है ऐसे था, 2 को प्लस करके कितना हो रहा है 30 और 40 और 30 70, 9 और 1 10, 70 और 10 80, इन दोनों का कर ले, 50 और 40 90, 8 और 2 10 कितना बन गया 100, ऐसे दो दो को प्लस करके यहाँ लिख ले 8, मेरा तो 8 22 आ रहा है, आप चेक करो कितना आ रहा है 8, ठीक है 8 22 ही आ रहा है मेरा भी है, चलो लिखो, क्वेश्चन नंबर 2, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, 822 अपॉन एन कितना है 15, डिवाइड करो है 54. चेक कर लो आंसर, आंसर चेक करो, ठीक है मीन आ गया ये, अब फाइंड करना है मॉड, मॉड क्या आएगा इसका, मॉड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर, कौन सा सबसे ज्यादा बार देखो, बाकी कोई 2 बार नहीं है, फिफ्टी टू 3 टाइम्स है, 52 आएगा, एक्चुअली देखो 52 ही आएगा क्योंकि 40 लेते हो तो उससे बहुत लेस है, इसके आसपास आना चाहिए ना, तो 52 इज अकरिंग 3 टाइम्स, अब क्या करेंगे, मीडियन, मीडियन के लिए क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, चलो असेंडिंग ऑर्डर करो, 40 कितनी बार है आगे, हाँ 52 कितनी बार है, ठीक है काउंट कर लो, ठीक है एन कितना है 15, ऑड है, ऑड का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हो, एन प्लस 1/2th टर्म, इन केस ऑफ ऑड यू हैव ओनली 1 टर्म, एन प्लस 1/2th टर्म, एन कितना है 15, 15 प्लस 1 कितना हो गया 16, 16 का हाफ 8th टर्म, 15 प्लस 1/2th टर्म 8th
टर्म, एट्थ टर्म होगी ना, देखो इधर 52, तो मीडियन कितना आ गया 52। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क, मॉड फाइंड करना है सिर्फ। नहीं ऐसे ही काउंट कर लो, क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैज बीन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑलरेडी अरेंज इन असेंडिंग। यस प्रतीक्षा मैम, आई वॉन्ट टू आस्क, प्लीज रिपीट हाउ टू डू मीडियन, व्हाई यू हैव रिटन एन इज इक्वल टू 15 ऑड। 15 ऑड, 15 टर्म्स आर देयर ना, पिछले वाले में 10 टर्म्स थी, 10 इज इवन, यहाँ पे 15 टर्म्स है तो ऑड है, ऑड के केस में ये फॉर्मूला। ओके, किया हुआ है 7th क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3, The terms has already been arranged in ascending order. जब भी x का क्वेश्चन आएगा आप अरेंज नहीं करोगे, क्योंकि आपको क्या पता x क्या है, तो आप अरेंज नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है, ऑलरेडी अरेंज होगा। टर्म्स जो है वो 29, 32, 48, 50, x, x plus 2, 72, 78, 84, 95 टर्म्स गिवन है। कितनी टर्म्स से चेक करो, 10, n कितना है 10, इवन नंबर ऑफ टर्म्स आर 10 विच इज इवन। मीडियन गिवन है, x फाइंड करना। हाँ जी, मीडियन गिवन है 10, सॉरी 63 मीडियन गिवन है। अब इवन वाला केस है, इवन में क्या होता है, सेंटर वाली मिडिल टू टर्म्स को आप सम निकाल के उसका हाफ करते हो, टोटल 10 टर्म्स है, 4 इधर से छोड़ दो, 4 इधर से छोड़ दो, ये टर्म्स बच गई बीच वाली। मीडियन क्या होगा, इन दोनों टर्म का सम अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 63। क्लियर है, ये क्या है n बाय 2th टर्म, ये क्या है n बाय 2 प्लस 1th टर्म। n बाय 2 का मतलब क्या है, 10 by 2, that is fifth term, 1, 2, 3, 4, 5, fifth term ही तो ली है हमने, fifth की next term, sixth term, ये sixth term ली है, तो जितना half करोगे वो वाली term उसकी next term, तो हमने वही ली है, ठीक है। अब यहाँ पे solve कर लो, x x कितना हो गया, 2x plus 2 upon 2 is equal to 63, 2 common, x plus 1 upon 2 is equal to 63, cancel, x कितना आ गया 62, x फाइंड करना था, दैट इज योर 62। टर्म्स बता सकते हो कौन सी आएंगी, ये तो x आया ना, ये टर्म्स क्या आएंगी, 62 एंड 64, ठीक है। टर्म्स अगर पूछे तो यहां पुट कर देना 62, 64, बट हेयर यू हैव टू जस्ट फाइंड x, तो x इज 60। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, मॉड डिफाइन करना है, बस काउंट कर लेना कौन मैक्सिमम टाइम है, दैट इज योर आंसर। कर लो फोर्थ क्वेश्चन, अभी इजी है, देखो विच टर्म इज अकरिंग मैक्सिमम टाइम, मॉड हो गया 40, बस ठीक है। दिव्या आप यहाँ की अटेंडेंस मार्क कर लेना उस पर, ठीक है, यहाँ की मार्क कर लो, प्राची आपको वो लीज सेंड कर दी, सिक्स्थ का। हाँ, द मीन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट द मीडियन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर, क्योंकि सबसे जो एक्यूरेट आंसर है ना वो मीडियन से मिलता है, क्योंकि मीडियन की डेफिनेशन ही ये कहती है
मीडियन डिवाइड द सीरीज इंटू टू इक्वल पार्ट्स, लिखा हुआ है ऑन पेज नंबर 265। ये डेफिनेशंस लर्न करनी है मीन मीडियन मॉड की, पेज नंबर 265 पे गिवन है, देखो। हाँ जी, द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच डिवाइडेड इनटू एग्जैक्टली टू पार्ट्स, तो उसकी सेंटर वैल्यू होगी ना, मीडियन जो है वो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन है ना, इसके बेस पे क्वेश्चन बनता है वन मार्क का, ये लर्न कर लेना ये लाइन, इसके नीचे भी लिखा हुआ है। उसके बाद पेज नंबर 267 पे मॉड की डेफिनेशन गिवन है, पेज नंबर 265 पे मीडियन की डेफिनेशन है, 267 पे मॉड की डेफिनेशन है, और पेज नंबर 262 पे मीन की डेफिनेशन है, मार्क कर लो 262 पे मीन की डेफिनेशन गिवन है। ये तीनों ही लर्न करनी है, क्योंकि एज अ स्टेटमेंट आपसे पूछ सकते हैं, कुछ मिसिंग होगा 262 पे। फेयर पे लिखनी है मीन मीडियन मॉड, राइट दीज थ्री डेफिनेशन इन योर नोटबुक, पेज नंबर 262, 265, 267 पे गिवन है, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट में समरी गिवन है, देखो समरी रीड करनी है, समरी भी इंपॉर्टेंट है इसकी, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब आपका मीन का एक फॉर्मूला और रह गया जो हम कल कंटिन्यू करेंगे, सिग्मा मतलब सम, सम ऑफ टर्म्स, सम ऐड करना है, ठीक है। तो ये समरी रीड कर लेना, यही लिखा हुआ है देख लो, यही जो हमने अभी रीड किया यही है, डाटा की डेफिनेशन गिवन है, ये लर्न कर लेना। हमने कर तो लिया ऑड इवन, हाँ ठीक है। अब आपका रह गया ग्राफ और मीन का सेकंड फॉर्मूला जो हम कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ या एन, ये किया हुआ फॉर्मूला अगर याद होगा।